फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्नेहा। आज देखिए, मेरे एडेनियम के साथ एक बहुत ही बुरा हो गया और साइन तो मुझे इसके काफ़ी टाइम से दिख रहे थे, लगभग 2 महीने से इसके साइन मुझे दिख रहे थे, लेकिन मुझे लगा था बस ये ज़्यादा तेज धूप की वजह से। ये देखिए, इस तरह से ऊपर से ना येलो येलो हो रहा था पूरा एडेनियम मेरा, यहाँ से जैसे दिख रहा ना, ये भाग भी इसका पूरा येलो हो गया था। तो मुझे लगा था शायद इस सनबर्न की प्रॉब्लम है और ये धूप की वजह से ऐसा हो रहा है। नीचे की रूट्स देखिए कितनी हेल्दी हैं, लेकिन यहाँ बीच से पूरा गलना शुरू हो गया। ये रूट्स देखिए कितनी हेल्दी हैं, अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी लगभग 1 मंथ पहले, तो ये नई नई रूट्स भी बनाने इसने शुरू कर दी थी। देखिए पूरी फाइबर रूट्स निकली हुई थी, वाइट वाइट सी जो दिख रही हैं आपको, लेकिन ये मेरा प्लांट पूरा ये यहाँ से ये पूरा गल गया। ये देखिए ये पार्ट पूरा गल गया है, ये पार्ट ये देख सकते हैं आप, ये पार्ट पूरा कितने गंदे तरीके से गला है। बाकी अच्छा है, लेकिन अब हम इसको पूरा निकालेंगे। देखिए पूरा गल गया है, ये देखिए ये पूरा अंदर का भाग, ये वाला कोडेक्स का जो भाग है ये ऊपर से ही गल गया पूरा। देखिए इसके अंदर कीड़े तक हो गए हैं, देखिए अजीब अजीब से। अब इनको मैं कैसे हटाऊंगी, मैं इसको पानी से क्लीन करके आती हूँ। देखिए अंदर से कीड़े निकल रहे हैं इसके, इस कदर से ये खराब हो चुका है, पूरा डीकम्पोज होने लगा है। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आज देखिए आपको मैं क्या दिखा रही हूँ, एक बहुत ही बिग साइज का एडेनियम था जो कि मैंने शूट किया था, लेकिन मेरा बेटा शूट कर रहा था और जब इस प्लांट की कंडीशन देखी तो कैमरा लेकर के भाग गया, मतलब फ़ोन लेकर के भाग गया यहाँ से, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी जो उससे देखी नहीं जा रही थी। इसके अंदर जो हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं ना, उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं ना, वही कीड़े इसके अंदर पड़ गए थे पूरे। और मैंने क्या किया, इसको देखिए इस तरह से निकाला है, पूरा ये गल गया, पूरा मतलब ख़त्म हो गया पूरा प्लांट मेरा। तो ये देखिए इतना मैंने निकाला है, बाकी मैंने नल के नीचे पूरा रख करके साफ किया, क्योंकि जो बीच का भाग था ना इतना बिग साइज का कोडेक्स था कि क्या ही बताऊँ मैं। लगभग 2.5 साल का ये प्लांट था मेरा और बहुत ही बिग साइज का था, लगभग इसका वेट कम से कम तो 3-4 केजी रहा होगा। और फिर मैंने इसको धीरे 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 कट करते करते, देखिए ये पूरी यहाँ तक की ब्रांच, यहाँ से 2 ग्राफ्टिंग ब्रांच मुझे हटानी पड़ी, ऐसे ही ब्रांच इधर भी 2 थी और एक ब्रांच अपने आप ऑलरेडी यहाँ से टूट गई, क्योंकि वो ऊपर से ही ख़राब हो गई थी पूरी, वो भी ग्राफ्टिंग पार्टी था। और ऐसे करके ना, मतलब इसकी कई सारी ब्रांचेस और कई सारे जो मतलब नीचे का रूट था पूरा, आप देख सकते हैं पूरा गोलाई में था, ये गोल गोल की शेप में था, लेकिन देखिए इतना पार्ट इसका सही सलामत बचा है। अभी ये भी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा ये मैं कोई गारंटी इसकी नहीं ले सकती, क्योंकि विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक दूसरे सीजन में होता तो हो सकता है सर्वाइव आसानी से कर लेता। फिर भी हम कोशिश करेंगे, कोई ऐसा मतलब ये नहीं कि मैं इसको फेंक दूँगी प्लांट को, मैं इसको कोशिश करूँगी। तभी मैंने इतनी मेहनत की है इसको कट करके हटाने में, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसकी क्लीनिंग की है, खुरच खुरच के निकाला इसको, क्योंकि इसके अंदर ना तो नाइफ जा रहा था अच्छे से ना ब्लेड से बन रहा था, तो इस तरह से मैंने क्लीन किया, यहाँ तक मैंने क्लीन किया। मैंने सोचा यहाँ से अंदर से निकाल लूँगी, लेकिन जब नहीं निकला तो मुझे पूरी ब्रांच ये वाली भी पूरी देखी यहाँ तक कट करनी पड़ी, तब जाके इसके अंदर का जो पूरा ये इस तरह का पार्ट था ब्लैक वाला वो जाके निकला। अंदर कीड़े भी घुसे हुए थे जो पूरा डिकम्पोज कर दिया था जिन्होंने इसको, तो अब तो प्लांट ये इस कंडीशन में आ गया है पूरा, देखिए ख़त्म हो गया। इधर से दिखाऊं तो इसका शेप बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही मतलब ऐसे रूट्स, कम से कम 5 रूट्स इधर भी थी, इसी तरह से सिर्फ 2 रूट्स बच पाई हैं, बाकी इसके ख़त्म हो गए सारे। तो 3 तो लगभग गली गई, एक मैंने इधर कट करके हटाई है और एक गला हुआ पार्ट है, बाकी गला हुआ मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। बहुत ही बड़ा सा प्लांट था तो इतना मैंने बचा लिया है। यहाँ अच्छे से फंगीसाइड पूरा लगा देंगे और इसको लगभग 1 हफ्ते के लिए हम इसको छाया में सूखने के लिए रख देंगे, उसके बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो बस अब थोड़ी सी गलतियाँ हो सकती हैं आप लोगों से भी, मैंने भी कर दी। देखिए ये प्लांट मेरा इस वजह से ख़राब हो गया क्योंकि मैंने इसको ऊपर 3rd फ्लोर पर रखा और साथ में वहीं पे हिबिस्कस के प्लांट रख दिए। अब हिबिस्कस में मैं डेली वाटरिंग करती हूँ अच्छे से उनको नहला करके, तो उसका पानी इसके अंदर भी चला जाता है, जबकि मैं इसमें डेली वाटरिंग नहीं करती थी पर पानी तो चला जाता था ना, लेकिन मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। इस समय थोड़ा नवरात्रि भी चल रहा था तो उधर ध्यान भी नहीं गया एकदम से और ये कंडीशन हो गई प्लांट की। तो अभी क्या करना है हमको, इसको इस तरह से फंगीसाइड लगाना है। अगर आपका प्लांट कोई ख़राब हो रहा है तो यही कीजिएगा, कट करके जितना भी ख़राब पार्ट है पूरा कोशिश कीजिएगा पूरा निकाल दें उसको, नहीं तो वो फिर डैमेज होते ही रहता है। और उसके बाद आप उसको फंगीसाइड लगा करके और फिर उसको बचाने की कोशिश कीजिए। 1 हफ्ते छाया में सुखाइए, 1 हफ्ते 10 दिन, बड़ा प्लांट है तो और भी ज़्यादा दिन रख सकते हैं, छोटा प्लांट है तो आप उसको 8 दिन रखेंगे तो काफ़ी होगा आपके लिए। और उसके बाद उसको फिर रिपोर्ट कर दिया प्योर सैंड में रिपोर्ट कर दीजिए आप। तो सैंड में जब रिपोर्टिंग करेंगे ना तो धीरे धीरे करके ग्रो हो जाएगा, बस ये है कि उसे
रिपोर्टिंग के एक बार पानी देना है आपको, उसके बाद उसको कई हफ्तों तक पानी फिर नहीं देना है। इस तरह से कीजिएगा तो प्लांट आपका सक्सेस हो जाएगा। मैंने भी कई बार बचाए हैं प्लांट और इसको भी बचा लूँगी, ऐसा नहीं है ख़राब नहीं होगा प्लांट। ये लगभग अच्छा मेच्योर प्लांट है और इतना तो ये रिकवर कर ही लेगा अपने आप को। जब छोटे प्लांट बच जाते हैं तो ये तो बड़ा प्लांट है। ये देखिए, तो ये मैंने पूरा फंगीसाइड लगा दिया सब जगह से और इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। मैं तो सोच रही हूँ इसको मैं एक आध दिन धूप में रख दूँ, क्योंकि ये अंदर से अच्छे से, देखिए अभी भी एक कीड़ा यहाँ पर चल रहा है, तो बहुत ही बुरी सी कंडीशन हो गई। मेरा बेटा तो फेंक के कैमरा ही भाग गया इसको देख करके इसकी हालत। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको किया है ट्रीटमेंट इसका। और हम गार्डनिंग करते करते हमको साथ में डॉक्टरी भी करनी पड़ती है अपने प्लांट्स की, क्योंकि ज़रूरी होता है ये चीज़ें करना। प्लांट का सेब पूरा बिगड़ गया, पूरा ख़त्म हो गया बेचारा। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत ही बुरा फील हो रहा है, क्योंकि एक तो इतना प्यारा प्लांट और इस कंडीशन में आ जाए तो देखिए क्या हालत होगी फिर। पर कोई नहीं, होता रहता है गार्डनिंग में, अब कुछ ना कुछ तो हमको थोड़ा सा फेस करना ही पड़ता है, गलतियां तो होती रहती है। एडेनियम में कैसा प्लांट है जिसको आपको रेगुलरली चेक करना रहता है, रोज़ आप चेक करेंगे तभी आपका प्लांट सही सलामत रहेगा, वरना कभी भी कहीं पर भी उसमें प्रॉब्लम आपको दिख ही जाएगी। तो हमेशा चेक करते रहिए प्लांट को और पानी का ध्यान रखिए। अब जैसे मौसम चेंज हो गया है तो पानी आप कम से कम 2-3 दिन में पानी दीजिए, 4 दिन में दीजिए। रेगुलर वाटरिंग करने की ज़रूरत अब नहीं है, नहीं तो प्लांट ऊपर से तो मिट्टी, क्योंकि धूप भी तेज़ रहती है लेकिन अंदर की मिट्टी गीली रहती है। तो ये और एक चीज़ बता दूँ, रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं तो रिपोर्टिंग के बाद एक बार पानी देने के बाद आप उसको 15 दिन पानी मत दीजिएगा। ये देखिए मैंने कल इनको परसों नर्सों रिपोर्ट किया था और 2 दिन के बाद इनको रिपोर्टिंग के पानी दिया है और उसके बाद अब मैं इसको 15 दिन कोई पानी नहीं देने वाली हूँ। तो जितने भी प्लांट मैंने रिपोर्ट किए थे, तो ये दिखा दूँ आपको प्लांट की कंडीशन एक हफ्ते बाद की। ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है और इसकी सारी पत्तियाँ भी सूख चुकी हैं और ग्राफ्टेड ब्रांच तो सारी ख़त्म ही हो गई थी, बाकी देखिए इधर से भी सूख सा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने इसको रिपोर्ट तो कर दिया था लेकिन पानी नहीं दिया था और पानी मैं आज इसको देने वाली हूँ। इसकी सारी पत्तियाँ मैं कट करके हटा देने वाली हूँ यहाँ से। ये देखिए, तो ये कुछ ब्रांचेस तो इसकी बची ही जाएंगी, बाकी प्लांट वैसे बहुत ही ख़राब सी कंडीशन पे हो गया था, तो मतलब कि पूरा ही लगभग ख़त्म हो गया था, आधा से ही कम बचा हुआ है। तो देखिए चलिए इसमें मैं फंगीसाइड वाला ही पानी दे देती हूँ आज, क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा हो गया इसको। इसी तरह से मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया था और इसलिए शिफ्ट कर दिया था ताकि ये मिट्टी में रहेगा तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को धीरे धीरे रूट्स को थोड़ा स्टेबलिश कर पाएगा, और नहीं तो बाहर रखे रखे और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और फिर दिक्कत होगी प्लांट में। तो ऐसे में हो सकता है ये जल्दी ग्रो कर जाए। और थोड़ा सा भी कंडीशन ख़राब हो रही है प्लांट की, लेकिन फिर भी देखिए पूरा पानी कितना जल्दी बाहर निकल करके आ गया, पूरा फंगीसाइड बह करके निकल गया। तो इस तरह से ये निकल गया पूरा पानी, लेकिन अब इसकी जड़ों को पानी थोड़ा सा मिल गया है तो ठीक है। देखते हैं, इसकी पत्तियां भी हटा देते हैं। वैसे पत्तियां मुझे शुरू में ही हटा देनी थी लेकिन मैंने नहीं हटाई थी, तो अब हटा देते हैं पत्तियों को ताकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसकी ब्रांच पे है वो बचे रहे। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो ये देखिए यहाँ से भी इसकी ब्रांच पूरी ऐसे डैमेज जैसी हो गई है, और देखते हैं ये सर्वाइव कर लेता है प्लांट तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास तो ऑप्शन दूसरा कुछ है नहीं। इसमें देखिए डबल ग्राफ्टिंग थी, मैरून और पिंक कलर की थी, कलियाँ भी बहुत सारी ढेर सारी आई हुई थी, तो मैंने इसको इस तरह से लगा दिया था। और इसकी अपडेट मैं देती रहूँगी, अगर बच पाता है प्लांट तो भी, नहीं बचता तो भी आपको दिखाती रहूँगी कि देखिए बचा या नहीं बचा। तो कोशिश तो हमको करते ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए कोशिश हर समय करनी है, हार नहीं माननी है। और कुछ मतलब होता है, अब जैसे एक प्लांट मेरा ख़राब हो गया विंटर आने से पहले ही, तो अब मैं थोड़ा सावधान रहूँगी, पानी वगैरह का ध्यान रखूँगी। वैसे इसमें काफ़ी टाइम से लगभग 2-3 महीने से प्रॉब्लम थी और मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे सनबर्न हुआ है पूरी, ये जो इसकी ये थी ना पूरा स्टेम, ये इसका जो कोडेक्स था वो पीला पीला सा हो गया था, लेकिन मुझे लग रहा था शायद ज़्यादा तेज धूप की वजह से, लेकिन वो अंदर ही अंदर पूरा कीड़े उसको खा गए थे बिल्कुल से। तो इस तरह से इस वजह से प्लांट मेरा ख़राब हो गया है
पानी इतना ज़्यादा भी मैंने नहीं दिया था कि प्लांट मेरा ख़राब हो जाए, कुछ दिक्कत हो ही गई थी प्लांट में। तो देखिए पत्तियाँ हटा दी है, जो ग्रीन है उनको अभी थोड़ा सा रहने देंगे, और इसके बाद मैं इसकी अपडेट आपको देती रहूँगी। अगर विंटर नहीं आता तो ये बहुत जल्दी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन विंटर स्टार्ट होने वाला है तो थोड़ा सा इसको टाइम लग सकता है, या फिर कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा एक इसको टिकाने के लिए, ताकि ऐसा सीधा रहे, एक यहाँ पे स्टोन लगा दूंगी ताकि इधर इसका भार ज़्यादा ना रहे, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन ये बन करके आने वाले टाइम में तैयार होगा। जो हमारा बोनसाई सा लुक होता है ना, आड़ा तिरछा प्लांट, ये वैसा तैयार होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो बाद में अगर ये बच जाता है तो, वैसे ये सभी जगह से डैमेज हो रहा था धीरे धीरे, पर अब कोशिश की है, ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।